अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये इससे जो पहले वीडियो बनी थी नफक उमर बिन अल खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो इससे बोर्ड पे आप देख रहे हैं ये तरीक उमर बिन अल खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और जद्दा और तरीक मस्जिद अल हराम सैल ताइफ, ताइफ की तरफ जब जाओगे तो सैल एक जगह है, ये उसका नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको कुछ इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरफ जाना है। और जो बिल्डिंग है हरमैन टावर का, मैं इसको हरमैन टावर कहता हूँ लेकिन इसका कोई और नाम है, तो वो भी यहाँ से साफ नज़र आ रहा है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि शायद आपका दिल उचक गया हो, चाट गया हो कि ये क्या मक्के की खुश पहाड़ियाँ हमें बना के दे, इस वीडियो बना के दे रहा है। तो थोड़ी सी वीडियो हो जाए सब्ज़ा की, यानी ग्रीनरी की। ये रोड है और इस रोड पे ये बहुत ग्रीनरी है, बहुत ज़बरदस्त दरख्त उगे हुए हैं, बहुत भले लगते हैं और ज़बरदस्त सीनरी भी है। ऊपर से जगह भी साफ़ है और जगह की सफाई के अलावा जब ये ग्रीनरी भी हो तो बहुत मज़ा आता है। ये देखिए पूरे रोड पे ये दरमियान में जैसे ग्रीन बेल्ट कहते हैं पाकिस्तान में, शायद यहाँ पे भी ये ग्रीन बेल्ट हो, मैं तो अब भी इसको ग्रीन बेल्ट कहता हूँ। तो ग्रीन बेल्ट पे सब्ज़ा उगा हुआ है, ये भी बड़ी बात है क्योंकि सऊदी अरब में तो वैसे ही पानी की किल्लत है ना, तो पानी की किल्लत के बावजूद यहाँ पे सब्ज़ा उगा है। और ये जो खजूर के दरख्त है इनके लिए तो पानी की शायद इतनी ज़रूरत नहीं होती मेरे ख्याल में, क्योंकि ये तो बग़ैर पानी के भी गुजारा कर सकता है, लेकिन ये जो दूसरे दरख्त हैं इनके लिए गुजारा करना मुश्किल होता है। तो ये थोड़ी सी ग्रीनरी की वीडियो हो जाए और बहुत ज़बरदस्त व्यू है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगे, इसलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए भी ये भी बना कि आपका दिल खुश हो जाए और आपको थोड़ी सी ग्रीनरी भी यहाँ पे नज़र आए। तो ये देखिए सऊदी अरब तो कंट्री का नाम है लेकिन ये जगह मक्का शहर है, मक्का। इस दीवार की पेंटिंग देख लें, बहुत खूबसूरत तरीके से ये इन्होंने किया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। जब रोड भी हो इस तरह और मक्के की खुश पहाड़ियाँ हो तो उसमें ग्रीनरी और ये पेंटिंग, इस तरह की पेंटिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग किया हुआ है इन लोगों ने, जिसने भी किया है, चाहे गवर्नमेंट ने किया है या किसी और इदारे ने किया है, लेकिन आप यहाँ से जब गुजरेंगे तो इसके तारीफ़ के बगैर नहीं गुज़र सकते मेरे ख्याल में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और इस पेंटिंग को भी आप एंजॉय करें। ये भी मक्का स्टेशन, यानी हाफिलात मक्का इसको कहते हैं, मक्का बस स्टेशन ही का एक स्टॉप है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ज़बरदस्त पेंटिंग की हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, डिज़ाइनिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत A1 है। यहाँ पे कुछ काम भी हो रहा है, ये काम मेरे ख्याल में अभी तो शायद बाद में अंदाज़ा हो जाए, लेकिन यहाँ पे भी ये रोड पे पेंटिंग कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये बस जो है ना, यानी मक्का बस, तो ये यहाँ पे कुछ देर के लिए कड़ी होगी ताकि सवारियाँ इससे उतर जाए और कुछ सवारियाँ इसमें चढ़ जाए। और वो मेरा तो ख्याल था लेकिन वो सही साबित हो गया, क्योंकि वो आ गई बस, ये देखें ये बस आ गई, ये मक्का की हाफिलात मक्का इसको कहते हैं, यानी मक्का बस, और ये गवर्नमेंट की बस है, इसमें लोग फ्री आते और जाते हैं, हरम शरीफ तक ले जाते हैं, हरम से वापस ले के आते हैं, और इसका अपना एक रूट होता है, उस रूट तक ये जाते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये काम का आप देखें ना, यहाँ पे ये इंजीनियर्स बोले ये काम कर रहे हैं,
और यहाँ पे एक साइन लगा रहे हैं, पेंटिंग होगी इस जगह की के यहाँ के पर बस को कड़ा होना पड़ेगा, यानी कड़ा होने बस को यहाँ पे। बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन।